بسم الله الرحمن الرحيم बसमीम्स अल्लाम वरिम्तल वर्क़ुर अक्रम सल्ह तल व्म पर हमारा ईमान है कि वह आखिरी नबी हैं और सारे नबियों के सरदार हैं लिहाजा कुछ जिम्मेदारी है हमारे ऊपर जिन जिम्मेदारियों को हमें अदा करना है और हज़ुर अक्रम सल्लव वसम के दरबार के कुछ आदाब है जिन के जिन आदाब को बजा लाना हमारे लिए ज़रूरी है उसमें से सबसे पहले नंबर पर यह बात हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आप सल्लल्लाहु आपली अलैहि वसल्लम पर सच्चे दिल से ईमान लाए लितुमिनू बिल्ला व रसूल व तुअज़्ज़िरूहु व व सूरह फतह की आयत है कि अल्लाह सुबहान व तआला का इरशाद है ताकि अ लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी तज़ीम करो दूसरे नंबर पर हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी को अपने लिए लाजिम समझें सल्लल्लाहु अक्रम अलैहि वसल्लम की शान अकदस और आपकी इत के बारे में खुद कुरान करीम के अंदर फरमाया सुर नज़हा की आयत है यादी अमनु अत रसूल अल्लाह का इशाद है ए ईमान वालों अल्लाह की अतात करो और उसके रसूल की भी इतात करो तीसरे नंबर पर हमारे लिए आदाब को बजा लाना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा आप सल्ला तसलम से हम मोहब्बत करें क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है अकरम सल्लल्लाहु हज़ुर अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके बाप उसके बेटे और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ चौथे नंबर पर हमें यह एतक़ाद और ये यक़ीन रखना चाहिए और इस आदाब को बजा लाना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मतलब हमें यह एतक़ाद हो कि आप सबसे अफज़ल हैं आपसे अफजल कोई नहीं मखलूक में क्योंकि सल्लल्लाहु अक्रम सला तसलम ने फ़रमाया कि मैं अम्बिया का भी मुक्तदा हूँ अम्बिया का भी सरदार हूँ और मुझे इस पर कोई फख्र नहीं दारिमी और मिशकात के अंदर मौजूद फिर इसी तरह पाँचवें नंबर पर हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम ये एहिकाद रखें कि आप ही ख़ातनबीन हैं आपके अलावा कोई भी ख़ात्नबीन नहीं हैं लिहाजा आप बाद कोई नबी आने वाला नहीं आप पर शरीत को और दीन को मुकम्ल कर दिया गया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान अकदस में और आपके ख़ातमनबी होने के बारे में शुरबाब की आयत है मकाना महमदन अब अदरिजाल वल के रसूल अल्लाबी अल्लाह सरमाते हैं कि मुसलमानों मोहम्मद सल्ला तसलम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है लेकिन व अल्लाह के रसूल है और तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी है हती कि हज़रतल साम भी आएँगे तो वो हमारे नबी की उम्मत में शुमार किए जाएंगे और हमारे नबी की शरीयत ही को फॉलो करेंगे बावजूद देखे वो एक नबी हैं छठे नंबर पर हमारा यह एतक़ाद रखना ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मासूम और बेगुनाह हैं और यकीनी तौर पर हम सबको एतक़ाद रखना है क्योंकि शरफ़ुल अकबर के अंदर लिखा है अलम्बिया वालसलात व तस्लिम कुल लुहम मनज़ूनआान शगरी वक़बायर वक़्र वक़बा यानि कबल नबूति वबादहा के सारे अम्बिया आलमसला तस्लिम सग़ी कबीर औरक़र और हर बुरी चीज़ों बुरी आदतों से पाक और साफ होते हैं नबूत से पहले भी और नबूत के बाद भी लिहाजा हम सब का यह एतिक होना चाहिए सातवें नंबर पर हमारे लिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अल्लाह तसलम की हम अदना से अदना भी मुखालफत न गवारा कर सकते हैं न खुद कर सकते हैं ये बात हम सब को समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं हजरत महमद सल अल्ल् तसलम के इशान अगदस के बारे में

फिर तो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु सल्ला अलैहि वसल्लम से जिस तरह हम मोहब्बत करते हैं और ये हमारे ईमान का तकाज़ा है और हमारी फितरत का भी तकाजा है तो इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि मोहब्बत में, तो में, में हम गुलू करने लग जाएँ यानि अल्ला सुबहान तै के साथ मखसूस सिफात को आप सल्ला तल वम के भी के लिए भी साबित करने लग जाएं इससे बचना है गलू मोहब्बत में ना हो इससे बचना है इस सिलसिले में हमारे सामने ख़ुद हज़ुर अक्रम सल्ह तल वम की हदीसी मुबारक है ख़ास तौर से शमायलतिन मिजी की एक हदीस आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मेरी मुबालगा इस तारीफ़ मत करो जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा सलाम की मुबालगा इस तारीफ की है मैं अल्लाह का बंदा ही हूँ इसलिए कहो आपली तसल्म अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं फिर इसी तरह नवे नंबर पर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम हजूर अक्रम सल्लल्लाहु ताला ताल वसल्लम पर कसरत के साथ सलाम भेजते रहें क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला ताली वसल्लम ने फ़रमाया तिर्मिजी की रिवायत है कि कयामत के दिन मुझे कयामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जो कसरत के साथ मुझ पर दुरुज शरीफ पढ़ने वाला होगा फिर इसी तरह दसवें नंबर पर हम सब की यहमेदारी आयद होती है कहले बैत और आप सल्ला तसम की आला उलादाद से मोहब्बत रखना क्यों इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अक्रम अलैहि वसल्लम की हदीस है मिशका शरीफ के अंदर है आप सल्लल्लाहु सल्ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें नेमतों की ग़ा अता करता है और अल्लाह से मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करो और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे घर वालों से भी मोहब्बत करो लिहाजा हम सब की म्मेदारी है कि हम अहल बैत से मोहब्बत करें फिर इसी तरह ग्यारहवें नंबर पर हम सब की म्मेदारी है कि हम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दोस्त और आप सल्लल्लाहु अल्लाह वसल्लम के सहबा से मोहब्बत रखें अदना से अदना सही की शान में हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते ये हमारे ईमान का तकाजा होना चाहिए चे जाए कि हम किसी बड़े सहाबी की शान में गुस्ताखी करें लिहाजा कोई भी सहाबी चाहे एक मिनट के लिए आप सलील्हुसलम की खिदत में आया हो और शरफ़ सहाबियत से वह नवाज़ा गया हो तो वह भी सहाबी माना जाएगा दुनिया का बड़े से बड़ा वली भी और सारे वलियों के सरदार भी अगर उसके ईमान का मुकाबला करना चाहे तो नहीं कर सकते ये हम सब का अकीदा है इसलिए अकरम सल्लल्लाहु सल्ला अलैहि वसल्लम के सहाबा से हम मोहब्बत रखें क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिर्मिजी की रिवायत है मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो असहावी ला तहिरोम्बादी ममन अहब्ब हम फभी हब्बी अहब हम ममन अब गरो फभी बोगी अब गर हम कि मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो से डरो मेरे बाद उनको अपनी अगराज का निशान तान न बनाओ अपनी गर्ज़ों की वजह से उनके ऊपर तानो तशनी मत करो जोश उनसे मुहबत करता है मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करता है और जो उनसे दुश्मनी रखता है मुझसे दुश्मनी के सबब उनको दुश्मन रखता है इसलिए ये ग्यारह बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के सिलसिले में बताई गई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्यारह हैं ये मोटी मोटी बातें आपके सामने बता दी गई वरना इसके अलावा पूरी पूरी किताबें लिखी गई है हम सब की जिम्मेदारी है कि इस हुकूक को हम आम करें और हर मुसलमान इस हुकूक को अदा करने की फ़िक्र करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान कामिल वाला बनाए और हुजूर की मोहब्बत में हम सब को आशिक ज़ार बनाए